हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं, हर मोमेंट पे हमारा साथ दिए हैं। बिकॉज़ क्या हुआ था कि 2446 वाले में भी मैंने पीटी क्लियर किया था, बट हमारा मेंस नहीं हुआ था। कार में लिड लगा लेती थी और घर का, इस दौरान हमारा घर का काम भी हो जाता था और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता था। और फिर जब मैं अपने कामों से फ्री होती थी तो फिर मैं अपने बुक से पढ़ाई करती थी। कि जिस समय मैं फिजिकल वर्क करती थी, आई मीन घर का काम करती थी, तो उससे पहले मैं यूट्यूब के माध्यम से जितने भी सेट प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट होते थे उसको मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख देती थी। और सबसे पहले तो मैं पीटी में लुसेंट, क्रॉन और करंट अफेयर को फॉलो की और तब हमारा पीटी क्लियर हुआ। बेसिकली होता क्या है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वाले पोर्शन पे बहुत कम लोग का नज़र जाता है। बट मुझे कुछ अलग बनने के लिए कुछ अलग करना होता है, तो मैंने कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। पहले तो मैं तमाम जो दरोगा भी बहाली में जो दरोगा का निकाले हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगी कि निराश ना हो, फिर से आप कोशिश कीजिए, जीत जरूर होगी। चलिए, मैं एक अलग ही स्टोरी लेकर आपके पास आई हूँ। हालांकि मेरे साथ पुष्पा जुड़ी हुई हैं। पुष्पा का मैं फिजिकल का जब ये बीएस कॉलेज में गई थी एग्ज़ाम देने फिजिकल का, उस समय भी मैं इनका इंटरव्यू की थी, और उसके बाद जब इनका हो गया तो फिर मुझे ये कॉल करके मुझे बुलाई हैं कि मैम मेरा हो गया है, तो मैं इनको शुभकामना देने के लिए यहाँ पहुँच गई हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, एक कोचिंग ना जाते हुए, एक हाउस वाइफ घर में खाना बनाते हुए, सबकी सेवा करते हुए, किस तरह से इन्होंने निकाल लिया दरोगा बिना कोचिंग के। चलिए हम इनसे बात करते हैं। पुष्पा, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू मैम। मुझे ये बताइए कि बहुत जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं, खासकर कि लड़कियाँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मुझे मैसेज करती हैं कि मैम इनसे पूछिए कि आखिर कौन सा तरीका अपनाएं, स्ट्रेटजी क्या है, पढ़ने का किस तरह से पढ़ी हैं, ये सारा कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो पीटी में मैं लुसेंट क्रॉन और करंट अफेयर को फॉलो की और तब हमारा पीटी क्लियर हुआ। लेकिन मेंस के दौरान मैंने घटना चक्र के सारे बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा, प्रीवियस ईयर को बार बार पढ़ा और खुद से नोट्स बनाई, और एग्ज़ाम के लास्ट में मैंने सारे नोट्स को रिवीजन किया और काफ़ी सीट प्रैक्टिस की, तब जा कर के मुझे मेंस में सफलता मिली। पीटी में आपने क्या कहा, क्या की थी? पीटी में मैंने लुसेंट क्रॉन को ही बार बार पढ़ा और फिर डेली करंट अफेयर देखा करती थी। इस दौरान हमारा पीटी क्लियर हो गया। और मेंस में मैंने घटना चक्र के सारे बुक को अच्छे से पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। बेसिकली होता क्या है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वाले पोर्शन पे बहुत कम लोग का नज़र जाता है। बट मुझे कुछ अलग बनने के लिए कुछ अलग करना होता है, तो मैंने कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। चाहे क्वेश्चन जहाँ से भी आए, आई कैन डू। सो मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कंप्लीट करके और फिर मेंस अच्छे से क्लियर किया। आप पुष्पा, मुझे ये बताइए कि मैं सुन रही हूँ जहाँ तक कि आपके घर में सब लोग, बहुत सारे लोग भी हैं, उन लोगों को खाना बनाते समय भी आप पढ़ाई करती थी। जी बिल्कुल। क्या होता था ना कि जिस समय मैं फिजिकल वर्क करती थी, आई मीन घर का काम करती थी, तो उससे पहले मैं यूट्यूब के माध्यम से जितने भी सेट प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट होते थे उसको मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख देती थी और कार में लिड लगा लेती थी और घर का, इस दौरान हमारा घर का काम भी हो जाता था और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता था। और फिर जब मैं अपने कामों से फ्री होती थी तो फिर मैं अपने बुक से पढ़ाई करती थी। मैं बताना चाहूँगी कि पुष्पा का बेटा हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा? माय नेम इज उत्कर्ष आनंद। उत्कर्ष नाम है, ठीक है। कितना साल हुआ है पुष्पा शादी का? शादी के 7 साल हो गए। बच्चे कितने बड़े हैं? कितने साल? बच्चे की 6 साल। 6 साल का। मम्मी अब दरोगा बनने जा रही है, कैसे रहिएगा? विथ माई फादर। पापा के साथ में रहेगा?
वाह, बहुत अच्छा। और सारी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हाउस वाइफ बन जाती हैं उसके बाद बोलती हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, ये बताइए। और एक चीज़ और, आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट किए हैं? हमारे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं, हर मोमेंट पे हमारा साथ दिए हैं। बिकॉज़ क्या हुआ था कि 2446 वाले में भी मैंने पीटी क्लियर किया था, बट हमारा मेंस नहीं हुआ था। उसके बाद फिर ईएसआई भी पीटी क्लियर हुआ बट मेंस नहीं हुआ। तो इतना बार बार सक्सेस नहीं होने की वजह से मेरा मन ये हो गया, फिर मैं सोची कि अब नहीं करूँगी तैयारी। बट उन्होंने मुझे इस वाले वैकेंसी की फॉर्म ज़बरदस्ती भरवाए कि तुम कर सकती हो, तुम करो। उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेट किया पढ़ने को लेके, तुम कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। और मैंने इस बार पीटी भी किया और मेंस भी और फिजिकल भी। फिजिकल के दौरान उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया फिजिकल के दौरान? फिजिकल के दौरान उनके पास जब भी समय होता था वो रनिंग कराने को गर्दनी वाग लेकर चले जाते थे, खुद से हाई जंप साइड से। वैसे तो मैं फिजिकल ट्रेनर मतलब फिजिकल कोचिंग में जाती थी, बट वहाँ क्या होता है कि भीड़ में कभी कभी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है, तो मेरे हस्बैंड साइड से हाई जंप लॉन्ग जंप सारी तैयारी करवाते थे। जी चलिए, तो अब हम रीना ये पुष्पा से बात कर लिए, उनका बच्चा भी यहाँ पे साथ में है। अब हम इनके फैमिली से बात करेंगे कि आखिर कैसे उन लोगों के साथ रहकर उन लोगों ने इनका सपोर्ट कैसे किया, ये सारी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। और ताकि आपको भी थोड़ा बहुत तो सीख मिले ही कि जो बहानेबाजी करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इतने फैमिली को लेकर हम चलेंगे कि अपना देखेंगे, तो थोड़ा बहुत तो सीख मिलेगा ही। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।